पूर्व से जैसा जुलूस निकलता था, जो रास्ता से निकलता था, जो मार्ग से निकलता आ रहा है, वर्षों से जिस जैसे निकलता था, जिस मार्ग से निकलता आ रहा है, वैसा ही इस बार भी निकलेगा। हमारी नजर फेसबुक व्हाट्सएप पे विशेष है। आपको विश्वास नहीं होता है तो कोई गलत कमेंट कोई व्हाट्सएप में आप डाल के देख लीजिए, हमको न्यूज आ जाता है। और बहुत सारे लोगों को मैंने कॉल के माध्यम से समझाया है कि आप उस ग्रुप में ऐसे डाले हो तो आइंदा ऐसे नहीं करना, तो फिर बोला कि सर सॉरी गलती से चला गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम पे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे चल रही है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी नजर है। आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट करते हैं, हम सब देखते हैं, सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं हम, जितनी बड़ी ग्रुप है। अब छोटे छोटे ग्रुप है उसमें तो नहीं है, लेकिन जितने बड़े ग्रुप है सब ग्रुप में हम हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि हम उसमें हैं। आप जो भी लिखते हैं, जो कुछ भी पोस्ट करते हैं, सब कुछ मेरे पास आता है। ये सब बातों पे विशेष ध्यान रखते हुए मुहर्रम को शांतिपूर्वक मनाएंगे। और लाइसेंस के लिए जो आवेदन है, आप आवेदन दे देंगे, और 2019 का जो लाइसेंस आपका मिला हुआ है, क्योंकि 2 साल तो फिर कोरोना का काल था, तो उसमें तो मन नहीं पाया, तो 2019 का लाइसेंस का पुराना होगा तो आप हमको अटैच करके दे दीजिएगा, ताकि हम जल्द से उसका लाइसेंस बना के आप लोग दे दें। और मुहर्रम में जहाँ जहाँ भी जुलूस निकलेगा, तो उसमें अपना आयोजक समिति से मेरा निवेदन रहेगा कि कम से कम आप अपना एक टीम बना लें, 5-6 लोग, जिसमें वो कुछ पहचान के तौर पे लगे कि ये टीम में है, ताकि हम जाएं तो कुछ हो तो उसको बता सकें। क्योंकि कोई भी जुलूस निकलता है तो सब एक जैसे दिखते हैं, तो उसमें किसी को समझ कुछ आता नहीं है, जिसका टीम का कौन अध्यक्ष है, कौन कोषाध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन सदस्य है, ताकि कुछ उसका ऐसा पहचान हो, कुछ पगड़ी हो, कुछ 5 रुपया का 10 रुपया का एक आता है आप उसको लगा लीजिए, ताकि हम भी वहाँ पे पहुंचे तो कम से कम उन लोगों से बात कर सके कि आपका ये ऐसे है तो आप ऐसे कर लो, जो भी निर्देश देना हो उसको दे दे। तो जितने भी आयोजक समिति हैं उससे से मेरा निवेदन रहेगा, और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप उसके लिए एक विशेष अलग तरीका से हमको दिखे उसको बनवा लीजिएगा। एक रूट जो पहले से वही रहेगा। लाइसेंस के लिए आप आवेदन अतः शीघ्र जमा कीजिए, ताकि लाइसेंस हम निर्गत कर दें, और लाइसेंस नहीं बनेगा तो फिर आपको भी दिक्कत होगा और हमको तो प्रशासन को तो दिक्कत होता ही है। और पर्व त्यौहार जैसे मनाते आए हैं वैसे मनाएंगे, सहयोग आप बढ़ चढ़ कर देते आए हैं, और हमें उम्मीद है कि आप हमें सहयोग कीजिएगा। इसी बातों को मैं